नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड मान सकते हैं या फिर मिशन वंदे भारत 4। जी हां साथियों, आपको पता है 31 जुलाई तक खत्म हो रहा है ये, उसके बाद में आगे क्या प्रोसेस है तो भाई आपको पता ही होगा, लगभग लोगों को न्यूज मिल चुकी होगी। वंदे भारत जी हां 4 31 जुलाई को खत्म होने के बाद आगे आपको क्या लग रहा है? लोगों की सोच थी फ्लाइट चालू हो जाएंगी, नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना इंडिया में भयंकर तरीके से बढ़ रहा है तो भाई आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है। हालांकि ये सैटरडे की न्यूज है, आ चुकी है, आज संडे है, तो बता दूं कि सरकार ने वंदे भारत मिशन 4 को खत्म होने के बाद 5 लॉन्च कर दिया। जी हां साथियों, 1 अगस्त से मिशन वंदे भारत 5 स्टार्ट हो गया है, सरकार ने अधिकारी घोषणा कर दी है ट्विटर के माध्यम से, और आप लोगों को पता लग ही गया होगा। पूरी डिटेल से आगे हम बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बता दूं भाई आपको पता है 1 अगस्त से मिशन वंदे भारत स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है कोई फर्क नहीं पड़ता, और नॉर्मल फ्लाइटों में अभी वक्त लगेगा। जी हां साथियों, आपको पता है कि सरकार ने यह भी घोषणा की थी भाई जुलाई के लास्ट तक जो नॉर्मल फ्लाइटों का जो रेट था वो लिमिट उसकी ख़त्म हो जाएगी, समय सीमा, लेकिन उसको भी सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया है आगे तक। इसका मतलब ये है कि भाई जो इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं वो उनकी जो किराया है वो बढ़ा नहीं सकती, जो सरकार ने आज से 3 महीने 2 महीने पहले लागू किया था वही रहने वाला है। जी हाँ, नेक्स्ट से नेक्स्ट महीने तक, सितंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, यूएई से सरकार ने बताया कि डीजीसीए की तरफ की घोषणा हुई कि 105 फ्लाइटें, जी हाँ साथियों, 15 अगस्त तक दुबई से इंडिया के लिए 105 फ्लाइटों का शेड्यूल है भाई। लेकिन यार फ्लाइटों का शेड्यूल से कोई मतलब तो है नहीं, 80% फ्लाइटें तो उधर चली जाएंगी कोची केरला, लेकिन उनमें सरकार को दोष इसलिए नहीं दे सकते कि जो अगर अपने राज्य चाहेंगे कि भाई ठीक है हमें फ्लाइट दीजिए तो इधर फ्लाइट आएंगी, बाकी तो भाई आपको पता है केरला कोचिकोड़े उधर ही फ्लाइटें जा रही हैं, वो राज्य वो सरकारें इंटरेस्टेड हैं आपको बुलाने में तो उधर फ्लाइटें जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है। ये बात कर लेते हैं भाई, आपको पता है इंडिया एंड यूएई सरकार का एक समझौता हुआ था कि इंडियन इधर से फ्लाइट जाएंगी उधर से आएंगी, आपको पता होगा 15 दिन का 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक का जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको यथावत रखा गया है, यानी फ्लाइट रेगुलर रहेगी, इंडिया के वर्कर दुबई जा सकते हैं। शर्त उनके पास यही है कि भाई एक तो कोविड-19 का निगेटिव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो यूएई सरकार ने घोषणा की है कि वहां से, ये नहीं कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके बनवा के लेके आए, वो नहीं चलेगा, जो ऑनलाइन लिस्ट है उससे चलेगा, वो ही होना चाहिए प्रमाण पत्र, वही मान्य होगा। बाकी आपके पास यूएई का रेजिडेंशियल वीजा है तो आप दो रीजन आपके पास हैं तो आप यूएई बाकायदा जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। सरकार ने फ्लाइटें अभी बढ़ाएगी, 1 अगस्त से फ्लाइटें भी बढ़ जाएगी, तो फ्लाइटों की टेंशन नहीं ले भाई, फ्लाइटें बहुत हैं, ठीक है अपन जैसे चाह रहे हैं वैसे नहीं होगा, अभी तो ऑनलाइन बुकिंग भी हम कर लेंगे अपने हिसाब से, आप जो आना चाह रहे हैं वो आप खुद बुकिंग कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन एम्बेसी में होना जरूरी है, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे हम बता दें भाई, भारत 1, 2, 3, 4 अब तक की घोषणा के अनुसार लगभग बता दूं 7,14,000 इंडियन पीपल जो विदेशों में फंसे हुए थे वो इंडिया आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, 7,14,000 लोग अभी तक इंडिया आ चुके हैं, तो भाई आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा वजन नहीं रहा जितना हम पहले सोचते थे, 7,75 लाख लोग आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा बहुत बचे हैं जो अभी अगस्त 15 तक मेरे हिसाब से सब कुछ सेटम लगभग लोग हैं वो आ जाएंगे। तो बस आपको जानकारी यही देनी थी भाई, 1 अगस्त से वंदे भारत 5 स्टार्ट हो रहा है, इधर से 26 जुलाई को आज ख़त्म होने वाला है ये जो टारगेट था इंडियन, इधर से जो फ्लाइटें दुबई जा रही थी लेकिन उनको सरकार ने आगे बढ़ाया है, हालांकि डेट फाइनल नहीं हुई लेकिन ये बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। 105 फ्लाइटें आने वाली 15 अगस्त तक दुबई वे से इंडिया के लिए रहेंगी। तो बस साथियों, ये छोटी अपडेट आपको देनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।